जी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समा बंधा हुआ है, रियल मैड्रिड चैंपियन बन गई है। लियारी की रियल मैड्रिड चैंपियन बन गई। माशा यूनाइटेड यूथ कप के फाइनल में होने वाले सख्त मुकाबले के बाद रियल मैड्रिड फुटबॉल अकेडमी ने मधु फुटबॉल अकेडमी को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस फाइनल मैच को देखने के लिए दूर दूर से आई हुई थी। लियारी से आए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोनों मतलब अच्छा खेल रहे हैं, हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह दोनों की पासिंग वेल है और काफ़ी डिसिप्लिन के साथ खेला जा रहा है, पासिंग वेल है, मतलब बढ़िया खेला जा रहा है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि गर्ल्स भी ऐसे ही आगे इम्प्रूवमेंट करें, ऐसे ही आगे बढ़ें इंशाल्लाह। काम मेरे अबू फुटबॉल खेलते थे और पाकिस्तान के अच्छे फुटबॉलर थे, जो मैं उसकी बेटी हूँ मेरे को भी शौक है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए मतलब मैच देखने आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे, जो भी जीतेगा समझो सही है। मैच का वाहिद गोल रियल मैड्रिड के कप्तान अजान ने स्कोर करके अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। टॉप स्कोरर का अवार्ड शाहजहां ने अपने नाम कर लिया, जबकि नया नाजमाबाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रियल मैड्रिड के कप्तान अजान को करार दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ताबिश को दिया गया, जबकि एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मूसा ने अपने नाम कर लिया। का जो मैच था वो जो है मैच बैड लक हो गया था हमारा, बहुत हम लोगों ने अटैक किया उस टीम के ऊपर, पहले हाफ से लेकर दूसरे हाफ तक हमारे गोल नहीं हुए, असिस्ट नहीं हुए, अच्छे पासेस नहीं हुए, मतलब बहुत बैड लक था आज मैच। और लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत कोशिश की थी जीतने की, पर बैड लक था। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे भी हमारे पाकिस्तान का फुटबॉल ये ऐसे ही बढ़ता जाए, बंद ना हो, ये जो PFP पे बैंड लगा है ये भी ख़त्म हो। मेरा नाम है मूसा, मैं माशा यूनाइटेड से खेल रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमारे को, बेस्ट प्लेयर कर दिया टीम वो फाइनल का, अच्छा खेला था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इसीलिए, और हम लोग का टीम भी अच्छा था, बस हम लोग टीम वर्क नहीं करके हम लोग नहीं हार गए थे, हम लोग टीम वर्क सब कर गए थे, हम लोग फाइनल में भी पहुंच जाते थे। आज के चैंपियन रियल मैड्रिड के कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज कैप्टन होने का हक अदा कर दिया, कैसा लगा आज? कितना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ, पूरा ओवरऑल मैच ज़बरदस्त हमें देखने को मिले और आज फाइनल भी बहुत टफ हुआ, क्या जज्बात हैं आपके और किस तरह से देखते हैं इन सब टूर्नामेंट को? मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग ने विन किया, हम लोग की कोशिश भी यही थी कि हम लोग टूर्नामेंट में मतलब ज्वाइन हुए हैं तो हम लोग ने विन करना है, बस एक ही हम लोग की ख्वाहिश थी कि हम लोग खेल रहे तो विन करेंगे, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग का टीम का सब प्लेयर खुश है कि मतलब बहुत अच्छा मैच हुआ,
तो सबको शुक्रिया देना चाहता हूँ कि मधु के टीम को और टूर्नामेंट वालों को, तब आगे अच्छा टूर्नामेंट चलाए और मतलब हम लोग को मौका मिले। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ताबेश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनके? बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बैड लक भी है क्योंकि रनर अप हो चुके हैं और एक गोल से, वो भी 85-90 के दौरान फ्री किक से हमें गोल पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मेहनत करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और थैंक यू सो मच इसके लिए कि मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ, मुझे बहुत खुशी है और बहुत मेहनत की है इसके लिए और इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करते जाएंगे। हर इंसान को, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने हवाले से कहता हूँ, इस तरह की चीज़ों को हौसला अफजाई करेंगे तो हमारे माशरे में एक सेहतमंद और पुरपजा मकाम हमें मिल सकेगा। और हम उम्मीद करते हैं, माशा यूनाइटेड ने इतना बेहतरीन इवेंट का इनकार कराया और आइंदा भी वो इस तरह के सिलसिलों को बढ़ाते हुए कराची में फुटबॉल के प्रमोट में अपनी चीज़ों को और मज़ीद बढ़ाएंगे। मैडम, अल्लाह का, पहले तो अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इस टूर्नामेंट को कामयाब हुआ, तो आप सखीज वर्ल्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लम्हा पर लम्हा हमारे टूर्नामेंट को कवरेज दिया, यहाँ इतने टैलेंट लड़के निकले, मैं क्या बोलूँ, इंशाल्लाह ताला मज़ीद ये प्रोग्राम होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो मैं सोशल मीडिया की सखीज वर्ल्ड को मैं बहुत बहुत मेहरबानी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना अपना हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद है।